इस वक्त आप सबके प्यार की जरूरत है सब। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुलजार छानीवाला के बारे में। अगर आप सबको पता नहीं है कि ये कौन है, तो ये एक पॉपुलर हरियाणवी सिंगर है। इन्होंने हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री को एक नई ऊंचाई प्रदान की है। इनके घर पर गोलियां चली, उनके दुश्मन या जलने वालों ने उनके अनुपस्थिति में गोलियां चलाई या चलवाई गई थी, जिससे में ये गोलीबारी हुई। वे दिल्ली में अपने सॉन्ग शूट कर रहे थे। उन्होंने इस गोलीबारी को लेकर अपने इंस्टाग्राम पर एक IGTV वीडियो अपलोड किए। आप भी देखिए उन्होंने क्या कहा। राम राम जी, मैं आपका अपना गुलजार छाने वाला। आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई इंसान अपनी मेहनत से काम कर रहा है, अपनी रोजी रोटी चला रहा है, तो लोगों को क्या दिक्कत होती है उससे? चलिए, मुझसे दिक्कत होती है, माना कि इन चीज़ों के साथ ये चीज़ें आती हैं, मगर हर बार परिवार पर जब बात आती है तो बुरा लगता है। इससे पहले भी जब भी अटैक हुआ, फैमिली पर ही हुआ है, घर पर होता है, मैं बाहर होता हूँ। अब भी मैं दिल्ली था, तब पीछे से घर पे फायरिंग हुई है। मैं ये चीज़ें समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं कोई गलत नहीं बोलता गाने में, ना मैं किसी को पर्सनली कुछ बोलता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा होता है, पता नहीं क्यों। मुझे समझ नहीं आता, मुझे इस वक्त आप सबके प्यार की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। और अगर किसी को दिक्कत है तो मुझे आकर बोले, फेस टू फेस मुझे आकर बोले, मुझे मार। कुछ लोग क्यों इस तरह की नीच हरकत करते हैं? इससे पहले भी उनके परिवार पर एक जानलेवा हमला हुआ था, जब उन्होंने किसान आंदोलन में अपनी आवाज़ उठाई थी। दोस्तों, आशा करता हूं कि इस नीच हरकत करने वालों पर पुलिस जल्द अपना कदम उठाए और उस पर्सन को गिरफ्तार करे।